नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं यूएफटी लाइव टीवी। श्रावस्ती के जोगिया गांव का अस्तित्व खतरे में। राप्ती नदी लगातार कर रही है कटान, जिसके चलते गांव वाले जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे और उनके गांव को राप्ती की कटान से बचाया जाए, वरना सैकड़ों मकान जो जोगिया गांव में है वो राप्ती में विलीन हो जाएंगे। मामला श्रावस्ती जनपद के तहसील जमुना के जोगिया गांव का है, जहां राप्ती की कटान का खतरा तेजी से मंडरा रहा है। लगातार राप्ती गांव की कटान कर रही है। आपको बता दें कि पहले बाढ़ की तबाही ने इस गांव को पूरी तरीके से जलमग्न कर दिया। अब वही राप्ती की कटान तेज हो गई, जिससे राप्ती के जद में कई मकान आ गए। इसी को लेकर पूरा गांव जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा, जहां पर उन्होंने डीएम श्रावस्ती से फरियाद की कि उनके गांव को बचाया जाए, वरना राप्ती के कहर से जोगिया गांव को कोई नहीं बचा पाएगा और जोगिया गांव पूरी तरीके से राप्ती में विलीन हो जाएगा। इसी को लेकर जोगिया के ग्रामीणों ने एसडीएम प्रवीन्द्र कुमार को ज्ञापन देकर अपनी फरियाद सुनाई। क्या मामला? हमारा गांव जोगिया मतलब बुरी तरह से कटक तो यहाँ क्या किस लिए आए थे? कलेक्टर साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिया। क्या मामला? इस बार जो ये बाढ़ आई हुई है, जो कि इस माह में कभी नहीं आती थी, उसका बहुत ही बड़ा प्रकोप रहा, बहुत ज्यादा प्रलय रहा। इसकी वजह से हमारे क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 के बीरपुर, लौकिया, जोगिया, भलुया, ये सब ग्राम पूरी तरीके से लगभग लगभग नष्ट हो चुके हैं। और उसको हमारी डीएम साहब से, प्रशासन से ये मांग है कि यहाँ की जितनी भी जनता है, इनको कहीं अन्यत्र बसाने की कृपा करें। जोगिया गांव